नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। गुरुग्राम के एक थाने से ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक सिपाही ने अपने ही थाने की थानेदारनी के साथ जमकर मारपिटाई की। उसके खिलाफ सेक्टर 10 थाने में मामला भी दर्ज कराया गया है, जिसके बाद में उसको लाइन हाजिर कर दिया गया है। इन दोनों के झगड़े के बीच में गाज SHO पर जाकर गिरी और उनको भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 37 थाने में एक सिपाही ने महिला ASI के साथ मारपीट करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी है। महिला ASI ने सिपाही के खिलाफ सेक्टर 10 थाने में मारपीट व धमकी देने के आरोप में FIR दर्ज भी करा दी है। वहीं मामले में सेक्टर 37 थाने की महिला SHO इंस्पेक्टर सुनीता को लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनके स्थान पर अब इंस्पेक्टर अमन बेलीवाल को सेक्टर 37 थाना SHO बनाया गया है। सिपाही को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। सेक्टर 37 थाने में वे वारदात बुधवार रात को बताई गई है। ASI पूनम महिला अपराध की शिकायत लेकर थाने में आई एक महिला से बात कर रही थी। आरोप है कि इस दौरान सिपाही प्रवेश आया और उसके बीच में टोका टोकी करने लगा। कुछ ही मिनट के बाद में उनकी आपस में बहस बढ़ गई और सिपाही ने ASI से मारपीट शुरू कर दी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस दौरान SHO सुनीता देवी थाने में मौजूद ही नहीं थी। जानकारी जब पुलिस के अधिकारियों तक पहुंची तो एक ACP स्तर के अधिकारी थाने में पहुंचे और स्टाफ से पूछताछ की। गुरुवार को एक ASI ने सिपाही प्रवेश के खिलाफ मारपीट व धमकी देने के आरोप में लगाते हुए सेक्टर 10 थाने में मामला दर्ज किया है। मारपीट व धमकी देने के आरोप लगाते हुए शिकायत सेक्टर 10 थाने में दी है। सेक्टर 10 थाने में FIR दर्ज भी कर ली गई है। ACP स्तर के एक अधिकारी ने सिपाही के खिलाफ FIR दर्ज की जाने की पुष्टि भी की है। आपको हमारी इस न्यूज़ के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली हर एक न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे।